गाइस माशाल्लाह से मैंने अपना जो चिकन चिक्स थे इनको सारों को खुला छोड़ दिया। यहाँ पे जो दाना वगैरह फिर रहा था ये खा लेते हैं। उधर वाला जो केस था वो हमने इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इधर ना इनको दाना पानी डालना भी थोड़ा मुश्किल होता था और इधर थोड़ी जगह भी क्लोज हो रही थी, इसलिए ये कि इधर आ गया। और माशाल्लाह से ये वाला जो केज है ये हमारा वैसे अभी इधर पड़ा हुआ है। इनका जो है ना सारा दड़पन भी चेंज करना, पानी हम सारों का निकाला हुआ है। देखें इनके भी डब्बे बाहर पड़े हुए हैं और इनके भी सारों के नहीं है। सारों को फ्रेश अभी ताज़ा पानी डालेंगे, उसके बाद हम जो है ना बाकी काम शुरू करेंगे। गाइस आप क्या कहते हैं आज इनको खुला छोड़ें? नहीं, ये वाला ब्लैक वाला उड़ जाए तो उड़ जाए, और कौन उड़ता। देखें लेकिन ये रिस्क हम लेंगे नहीं, क्योंकि बस हवा निकल गई, क्योंकि हमारे पहले भी पिजन उड़ चुका है, उसके बाद हम ये चाहते नहीं दूसरा भी हमारा पिजन उड़ जाए। और आपको मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि हमारे जो डब तीसरे ना एक्स जी है माशाल्लाह से इसके दोनों अंडे सलामत हैं। देखें सारे पिजन कैसे दरवाजे में आए बैठे हैं, जैसे हम इन्हीं को दाना पानी सबसे पहले डालेंगे। लेकिन ये इनकी भूल है, क्योंकि ये सारे उड़ते फिरते हैं नीचे ऊपर, तो पहले इनको डाल देते सारे उधर मसरूफ़ हो जाएंगे, हम इधर इनको दाना पानी डालेंगे, वरना एक ऊपर जा रहा होता है एक नीचे आ रहा होता है। फटाफट इनको दाना रखना पड़ेगा बहुत जल्दी। ये रखे जाइए मुर्गा पानी पीने लगा होगा। गाइस इन सब का मैंने दाना पानी डाल दिया, देख कुछ पानी पी रहे हैं, कुछ बजरी वगैरह दाना वगैरह खा रहे हैं, और उधर पिजन को मैंने डाल दिया, वो देखा तो भाग दौड़ करके अपना दाना पानी पूरा कर रहे हैं। अब इसका रह गया है और इनके जो रह गया, इनका पानी डालना दाना तो इनका पड़ा होता है हर वक्त। ये डाल लो, मैं फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस हमारे सारे टर्की बर्ड्स की ना टांग फंसी हुई है, मैं ये पहले निकाल लूँ। गाइस ये ना बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई थी, इसके पाँव पर ना सारा भी फिलहाल अभी बना हुआ, क्यों वहाँ पर ये ब्लेड वगैरह लगी हुई ना, इसकी वजह से कट कट के उसका वो हुआ था मैंने, लेकिन थोड़ा बात तो दिया। देखें अभी भी ये जगह खड़ी हुई है, जगह ये ट्रेन कब का फंसा हुआ इसका। तो अब ये फंसी है ना, मैंने कहा भाई ने या अबू ने जिसकी टांग टूटी थी यही वाली उठा के नीचे शिफ्ट कर दिया ताकि इसको ठंड वगैरह ऊपर ज़्यादा ना लगे, लेकिन जब मैंने गौर से देखा वो तो बिल्कुल सही थी और इसकी टांग टूटी हुई थी। फिर मैंने फटाफट उसको छुड़वाया, फटाफट इनका पानी वगैरह डाले। मैंने ना इसको बाहर निकाला, मैंने कहा था कि थोड़ा चले फिरेगा ना इसका पाँव जो था वो सेट हो जाएगा। बाहर निकले ना कैसे इसने पार वगैरह फैलाया, फिर अपने पाँव सही करो। गाइस एक मुर्गा अंदर जाके दाना खाने लगा हुआ, मैंने कभी किधर गुम हो गया वो देखो, मैं बाल्टी के अंदर फिक्स हो जाते हैं, दिल देखा तो ऊपर ऐसे ढकना दे दूँ। गाइस ये सारे तो अब बाहर फिर रहे हैं और हमारा टर्की बर्ड भी देखें अब बिल्कुल सेट हो गया। अब इसको भी एक बार ना एहतियात से पढ़ के इसको बाहर छोड़ते हैं, देखते हैं यही फुल सही तरीके से चल सकता है या नहीं। गाइस देखें पाँव पे खड़ा तो होगा, थोड़ा सा चला करेगा ना इसकी टांग जल्दी ठीक हो जाएगी। वो देखें अभी ना पाँव मुड़ रहा है इसका, वो देखें खोलने की पंजा कोशिश कर रहा है लेकिन पंजा खोल नहीं पा रहा, वो देखें। गाइस खुद ही चला करेगा ना, थोड़ा सा चल चल के सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों टर्की बर्ड जो थे वो बाहर घूम फिर रहे हैं, इसको ना थोड़े दिन ऐसे बाहर की आदत पड़ेगी ना इसका पंजा इंशाल्लाह खुद ब खुद खुल जाएगा। और ये कुछ मटर शटर के छिड़के छिड़के फिर रहे हैं, ये अपने रैबिट्स को डाल देते हैं आगे, इसकी पार्टी होने वाली है, क्यों आगे ना बरसीन घास जो थी वो शुरू होने वाली है। अब उधर वाले सेटअप पर चलते हैं, ये सारे कुछ और डालने लगे हैं यहाँ। ओए होए भाई इनका पानी वगैरह नहीं है इसलिए छोड़ डाल रहे हैं ना दाना, इनके फटोर दाना पानी डालते हैं। देखें कैसे सारे नीचे आए फिर रहे हैं, ये ना मैं डालूँगा, ये तो तोते बाहर ही हूँ, ये इनका दाना आ गया, ये फटोर देखें ये इनका ना पानी भी गया।
जरा से रहा देते हैं, जगह पर हमारी पिजन जो थी वो अपने आग से भी उठ के आ गया कि मुझे भी दाना पानी मिलेगा। ये रहा आपका दाना आ गया, ये आपका पानी। इसकी दोनों चीज़ें डाल गया, उसके बाद अपने डक्स को इसके अंदर बना के देंगे जी। ये आ गया जी इनका दाना, ये जा रहा है जी पानी। भाई ये रखें, ये लग गया, इसको ऐसे जोर दे के ये लग गया। अब देना 1 2 3 को शाबाश। कई जगह थोड़ी देर बाद अपना पूरा मुंह अंदर डाल लेंगे। ये गया, वो गया, ऐसे करते हैं दरवाजा ना खोल ही देते हैं, ऐसे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। दरवाज़ा इसलिए बंद करना पड़ता ताकि जो मग्गे ना ये गिर ना जाए। देख कितना खुश होकर दाना खा रही हैं। बंद ही कर देते हैं, लेकिन इधर भी ये खाने लगे हुए हैं। हमारे साथ सारे कॉकटेल थोड़ा सा खुलेंगे कहीं उड़े नहीं है। गाइज माशाल्लाह से जो हमारे केजेस थे ये भी है, 2 दिन हमें स्टार्ट हो जाएंगे। गाइज आप भी कहते होंगे आप वीडियो बनाते यही कहते हैं कि ये 2 दिन हमें स्टार्ट हो जाएंगे वो नहीं। लेकिन गाइज इंशाल्लाह आप जो आने वाले व्लॉग्स होंगे वो इनके रिलेटेड होंगे, इंशाल्लाह हम आने वाले 10 व्लॉग में इसको शुरू करेंगे। क्योंकि अगर ठंड भी बहुत ज़्यादा होनी है और अभी सर्दियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं, इसलिए इनका जल्दी से जल्दी हमें भी बहुत ज़्यादा है कि हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, फिर इसके आगे दरवाजे दरवाजे लगाएं। और हमारे इधर सर्दियों में इधर हमारे जो होंगे ना मुर्गे शुर्गे या टर्की बर्ड वगैरह वो इस केज में रहें, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अब तो उनको देख लेते हैं क्या कर रहे हैं, एक तो मेरे सामने फिर रहा, दूसरा ये फिर रहा। अब इन दोनों को पकड़ के बंद करते हैं। ये तो हो गया जी बंद, अब इसको उठा लेते हैं। दोनों बंद हो गए। वो गाय वो उसके ना पिंजरों के अंदर जालिया उसके अंदर पाँव फंसे थे, इसलिए मिट्टी ज़मीन पर चाप खड़ी होती है ना सीधी, उस टाइम इतना पता नहीं लगता। हाथ वगैरह धोते हैं और चलते हैं जी अपनी दुकान पे। इस ब्लॉग के यहाँ पे करते हैं, मिल जाकर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो साथ नए ब्लॉग साथ, आप तक अल्लाह हाफिज़।